हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुल्तान और आज हम जानेंगे डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में। डायबिटीज़ क्या है? इंसुलिन की कमी होने की वजह से या फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना, इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ के दो मेन टाइप होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़, मतलब कि जो ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, और दूसरा होता है कि अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन है, जितने डायबिटीज़ के केसेस है उसमें से 90% टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं, 5 से 10% टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि जुवेनाइल डायबिटीज़ होते हैं। तो डायबिटीज़ को जानने से पहले मैं आपको इंसुलिन का फंक्शन बताऊंगा, इंसुलिन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज नाम के ऑर्गन से सीक्रेट होता है, और इंसुलिन का काम होता है कि जब भी हम फूड लेते हैं तो हमारे ब्लड में का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो उस ग्लूकोज को सेल्स तक, बॉडी के सेल्स, टिश्यूज तक, मसल्स तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो या फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है और वो मसल्स तक या फिर बॉडी के टिश्यूज तक पहुँच नहीं पाता और हमको थकान होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाती है, जो भी डायबिटीज़ के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। तो आज हम जानेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में या तो इंसुलिन की कमी होती है या फिर इंसुलिन होता है लेकिन उसका बॉडी में यूज़ नहीं हो पाता, जिसे हम कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो टाइप 2 डायबिटीज़ अडल्ट्स में कॉमन है। अब हम जानेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज़ में सिम्टम्स क्या मिलते हैं। जैसे कि इंसुलिन की कमी हो या फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो, इस वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और वो ग्लूकोज लेवल ब्लड में से ग्लूकोज टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाता। इस वजह से थकान महसूस होती है, हमें बार बार भूख लगने लगती है, चक्कर आने लगती है, ये डायबिटीज़ का कॉमन सिम्टम है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजह से शुगर को यूरिन के थ्रू बाहर निकालने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें बार बार प्यास लगने लगती है और बार बार पेशाब जाना पड़ता है, चक्कर आने लगते हैं और धुंधला दिखाई देने लगता है। और अगर ज़्यादा दिन तक ब्लड पे कंट्रोल नहीं रहा, ब्लड शुगर लेवल पर कंट्रोल नहीं रहा, तो उसके कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन जैसे कि किडनी फेलियर हो सकता है, नर्व डैमेजेस हो सकता है। डायबिटीज़ में इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है और डायबिटीज़ में वज़न भी कम हो जाता है। तो ये थे डायबिटीज़ के सिम्टम्स। अब हम जानेंगे कि डायबिटीज़ मेलिटस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूजुअली ब्लड सैंपल से किया जाता है, जिसमें रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर, जनरली इसके बेस पर डायबिटीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है। रैंडम ब्लड शुगर यानी कि किसी भी वक्त ब्लड सैंपल निकाल कर उससे टेस्ट करना, इसे हम कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर टेस्टिंग। और दूसरा होता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्टिंग। फास्टिंग में आपको पूरी रात कुछ खाना नहीं होता और मॉर्निंग में आपको ब्लड देना होता है, तो इसे कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्टिंग। तो यूजुअली फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर लेवल के बेस पर ही डायबिटीज़ को डायग्नोस किया जाता है। डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए और भी टेस्ट है, जैसे कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें कुछ ग्लूकोज का अमाउंट आपको पीने के लिए दिया जाता है, पानी में घोलकर ग्लूकोज आपको पीने के लिए दिया जाता है और 1 से 2 घंटे के बाद उसे वापस जांच लिया जाता है। और एक टेस्ट है जिसका नाम है एच बी ए वन सी, जो कि 3 महीने का लास्ट 3 मंथ का ब्लड ग्लूकोज लेवल का एवरेज बताती है। तो ये टेस्ट डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है, डायबिटीज़ के लिए ट्रीटमेंट क्या है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ट्रीटमेंट
दो तरीके से है, एक तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो कि ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए टैबलेट्स के फॉर्म में दिया जाता है, और दूसरा होता है कि इंसुलिन। Type 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का यूज़ तब किया जाता है जब आपको आपकी ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा है, उस वक्त उसे कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट में आपको इंसुलिन दिया जा कुछ दिन तक इंसुलिन दिया जाता है, और उसके बाद जैसे आपकी ब्लड शुगर लेवल एक कंट्रोल में आ जाती है तो उसको चेंज करके टैबलेट्स के फॉर्म में दिया जाता है, या फिर कोई सर्जरी हो सर्जरी के पहले भी इंसुलिन देकर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल किया जाता है। तो इंसुलिन का मेन रोल Type 1 डायबिटीज़ में है, लेकिन Type 2 डायबिटीज़ में इनिशियल स्टेजेस में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ होता क्यों है, क्या वजह है डायबिटीज़ होने की। तो डायबिटीज़ होने की वजह ऐसा माना जाता है कि जेनेटिक कॉज है, और उसके साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जैसे कि ओबेसिटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, इन चीज़ों को भी डायबिटीज़ से कोरिलेट किया जाता है। डायबिटीज़ को प्रिवेंट या फिर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले कि आपका वेट कम होना चाहिए, ओबेसिटी मोटापा कम कम होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज का बहुत इम्पोर्टेंस है डायबिटीज़ में, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से इंसुलिन की जो रिसेप्टर सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि इंसुलिन का जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाता है। अगर कम इंसुलिन हो तब भी वो अच्छी तरीके से काम करेगा, उसे कहते हैं कि इंसुलिन की रिसेप्टर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप जो भी फूड इंटेक लेते हैं, फूड खाते हैं, तो उसे 2 टाइम की जगह पर 3 से 4 टाइम में डिवाइड कर कर खाएं। अब हम जानेंगे कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, या फिर अगर लॉन्ग टर्म तक डायबिटीज़ पर कंट्रोल नहीं किया तो क्या हो सकता है। अगर आपका डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म से कंट्रोल में नहीं है तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपकी किडनी में प्रॉब्लम आ सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है, आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, लेग में अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि नर्व डैमेज होता है और जिसकी वजह से सेंसेशन लॉस होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन की वजह से लेग अल्सर्स हो जाते हैं, और बहुत से केसेस में लेग एम्पुटेशन करना पड़ता है, पैर को काटना पड़ता है, ऐसी भी कंडीशन डायबिटीज़ के कंट्रोल में ना होने की वजह से आती है। हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है, और एक कॉम्प्लिकेशन जो टाइप 2 डायबिटीज़ मलाटस में देखा जाता है वो है कि हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक कीटोटिक सिंड्रोम। इसमें आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपका कॉन्शियसनेस कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज टॉपिक डायबिटीज़ मलाटस, स्पेसिफिकली टाइप 2 पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी ऐसे वीडियोस हिंदी लैंग्वेज में पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।